आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। इन दिनों चल रही वार्षिक परीक्षाओं के समय में रीवा के प्राइवेट स्कूल संचालकों की हठधर्मिता देखने को मिल रही है। स्कूल संचालक फीस न जमा होने के कारण बच्चों को न सिर्फ परीक्षाओं से वंचित करने पर आमादा है बल्कि उन्हें अपमानित करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं बताई बताई मैडम हम बोलो क्या बच्चे न्यूज में चलवाई थे। हाँ बच्चों को आने का बच्चों को जाने बैठाइए बच्चों को ना जिसके एक चीज है उसको ना बैठाइए ना अंदर आ जाइए कोई आपको नहीं रोके कोई रोके तो उनके बाहर का मार क्या सर कहा है इसका बच्चों से आप क्यों नहीं दे रहे हैं आपको अच्छा मतलब जिनकी फीस जमा नहीं है वो बच्चे पेपर नहीं देंगे बिल्कुल नहीं देंगे पेपर नहीं देंगे हाँ नहीं देंगे अच्छा ठीक पैसा जब फीस जमा हो जाएगी तब फीस देंगे फीस जमा होने पर प्रवेश पत्र दे जाएगा उनकी परीक्षा हम ले लेंगे अच्छा हाँ परीक्षा दे देंगे हाँ ठीक। ताजा मामला प्रकाश में आया है शहर के एक निजी विद्यालय का जहां सोमवार से शुरू हुई वार्षिक परीक्षा के दौरान फीस न जमा होने के कारण सैकड़ों छात्राओं को परीक्षा हॉल से बाहर कर दिया गया। स्कूल प्रबंधक की इस हठधर्मिता के चलते यहां परिजनों में काफी आक्रोश देखने को मिला। ग्राम टीकर निवासी शैलेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका पुत्र ललपा स्थित श्रवण कुमारी विद्यालय में कक्षा 6वीं का छात्र है। बताया गया कि आज जब वह अपने बच्चों को लेकर स्कूल पहुंचे तो प्रबंधन ने उनसे फीस न जमा होने पर परीक्षा में बैठाने से साफ इनकार कर दिया। पीड़ित शैलेंद्र के मुताबिक स्कूल प्रबंधन ने सिर्फ उन्हें और उन्हीं के बच्चे को नहीं बल्कि फीस न जमा होने के कारण सैकड़ों बच्चों को बाहर बैठा दिया और फीस जमा करने की शर्त में ही परीक्षा दिलाने की बात कह डाली। हालांकि स्कूल प्रबंधन के इस रवैये के चलते यहां परिजनों में काफी आक्रोश देखने को मिला। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा न सिर्फ बच्चों को परीक्षा से वंचित किया जा रहा है बल्कि उन्हें फीस के लिए अपमानित तक किया गया। हालांकि इस मामले में स्कूल प्रबंधन यह कहता नजर आ रहा है कि वह बच्चों की परीक्षा दिलाएंगे लेकिन फीस न जमा होने के बाद ही उन्हें प्रवेश पत्र दिया जाएगा।